अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शाद आबाद रखे, बीमारियों से परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुमामी। आज एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं, बहुत अच्छी सी और देसी स्टाइल की रेसिपी शेयर करेंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ अंडा चने, तो इसके लिए मैंने चने लिए हैं यहाँ एक बाउल चने लिए हैं, और उसके साथ उसका कुछ पानी जो है वो मैंने उसको खुश्क नहीं किया था, पानी को उसके साथ थोड़ा रखा था इसके अंदर पानी, क्योंकि सालन जो बनाएंगे हम वो इसी का बनेगा, इस पानी का। और यहाँ ली है मैंने एक अदद प्याज ली है, 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, और 2 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको एक साथ मैंने पेस्ट बना लिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च का ये पेस्ट तैयार कर दिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसी तरीके से सारी जो मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। ऑयल डालेंगे, हाफ कप, और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का, ये इसके अंदर साथ जो पेस्ट तैयार किया है ये इसमें डाल देंगे हम ऑयल में। बिस्मिल्लाह। पेस्ट को हमने इतना भून लेना है कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए और इसमें से तमाम जो स्मेल प्याज की आती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने के लिए। हमें इस तरफ हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। अपने अंडे मैंने बॉईल करके छील लिए हैं और इनको फ्राई करने लगी हूँ। आपने ज़्यादा बनाना है आप क्वान्टिटी को डबल कर लीजिए। मैं थोड़े सिर्फ 4 अंडों के लिए बना रही हूँ, इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है, बिल्कुल चुटकी चुटकी, ताकि थोड़ा अंडों के ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा। मसाले को हम भून लेंगे और जो बाकी बची सीजनिंग है वो इसमें ऐड करेंगे, और डालेंगे इसमें काला नमक 1/2 टीस्पून। अभी मैंने जो रेगुलर नमक है हमारा वो नहीं डाला है इसके अंदर, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अजवाइन ली है थोड़ी सी ली है, बिल्कुल मैंने 2 चुटकी के करीब, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा और कूट लिया है, और तो भून लेंगे तमाम चीज़ों को। काला नमक, अजवाइन और गरम मसाला ऐड किया है अभी हमने, आपको कोई परेशानी हो रेसिपी को फॉलो करने में तो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अच्छे से भूनने के बाद चने ऐड कर देंगे। अब डालेंगे हम अपना रेगुलर सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून ऐड किया है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और शामिल करेंगे ये चने, और ये ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, तो थोड़ी ही देर के लिए दम पे छोड़ेंगे और गार्निशिंग करेंगे इसके अंदर। चनों को थोड़ा सा हम कूट लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा मसल लेंगे इनको। कलर आप देख रहे हैं वैसे ही कलर आया, जैसे रेस्टोरेंट सॉरी ढाबा वगैरह पे मिलते हैं चने इसी तरीके के, थोड़ा कलर डार्क होता है।
मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। जी व्यूअर्स, तैयार हैं अंडा छोले, जो पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।